सर, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धेय अमित शाह जी श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदरणीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी देश के नेतृत्व आदरणीय अध्यक्ष सीपी जोशी जी आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर जो भरोसा किया है और ये लोग जोधपुर के लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं के सेवा का सौभाग्य को अवसर दिया है। मैं हृदय पूर्वक पार्टी के नेतृत्व को इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैंने पिछले 10 साल तक प्रयास किया कि मैं पार्टी के नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरूं और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं की सेवा कर सकूं, उनकी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरूं। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि आज ये सौभाग्यपूर्ण अवसर जो मुझे मिला है, ये मुझे नहीं मिला, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये अवसर मिला है, ये उनका सौभाग्यपूर्ण अवसर है, मुझे उनकी सेवा का अवसर दिया गया है। मैं हृदय पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देश के भाजपा के प्रदेश और देश के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तीसरी बार जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से हमारे मौजूदा सांसद लोकप्रिय जनशक्ति मंत्री आदरणीय हम सब कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार प्रत्यक्ष बनाया है। मैं पुनः आप सभी साथियों की मार्फत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सहित देश और प्रदेश के नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोकसभा क्षेत्र जोधपुर के सभी कार्यकर्ता आज इस बार जितने मतों से अधिक आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को जिताएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे और विश्व के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और विकसित और समृद्ध भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। अमृत काल में जो उनका संकल्प है उस संकल्प को पूरा करके विश्व में इतिहास रचेंगे और तीसरी बार जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से इतिहास रचेंगे। धन्यवाद। 25 की 25 सीटें पिछली बार जितने मतों से हम जीते उसे भी 10% अधिक मतों से जीतकर 25 की 25 सीटें तीसरी बार जीता कर इतिहास रचेंगे। धन्यवाद।